सर क्या नाम है आपका? बताइए सर क्या कार्यक्रम? आज हम लखनऊ से लौटे हैं। कल मुझे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा साहित्य भूषण सम्मान प्रदान किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कहलाता है और इसके बाद भारत सरकार का पुरस्कार है जो मतलब है ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की धनराशि और ताम्रपत्र प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये किसी भी रचनाकार की पूरे जीवन की समग्र रचनाओं का समग्र साहित्य का आकलन करने के बाद दिया जाता है। तो पूरे देश से 20 लोगों को साहित्य भूषण सम्मान मिला है, जिसमें बरेली के भी 2 लोग शामिल हैं। एक मैं सुरेश बाबू गुस्सा और एक डॉक्टर भगवान सिंह भारद्वाजी जो हिंदी के विभाग अध्यक्ष। ये हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित सम्मान है और इसे मिलने पर मैं अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है ये जो पुरस्कार मुझे मिला है ये हमारे आप जैसे सभी लोगों के स्नेह का परिणाम है। आप लोगों का अगर स्नेह नहीं रहा होता, आप लोग संबल मुझे नहीं प्रदान करते। जो साथी होते हैं, मित्र होते हैं, पाठक होते हैं, वही साहित्य लिखने की प्रेरणा देते हैं और उनकी प्रेरणा से मैंने 10 पुस्तकें लिखी हैं, जिनका कई का विमोचन हमारे त्रिवेदी जी ने ही कराया है, तो उस विमोचन में सहभागी रहे हैं। तो उन पुस्तकों के आधार पर शासन ने पाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने पाया कि वह पुस्तकें समाज के लिए समाज की दिशा देने का कार्य करते हैं। समाज में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सरोकार की भावना को जगाती हैं। तो उसी की दृष्टिगत रखते हुए मेरा चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हूँ और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष माननीय सदानंद प्रसाद गुप्ता जी के आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें धन्यवाद। सर बताइए क्या कार्यक्रम? देखिए आज बताइए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण की उपाधि प्राप्त करने वाले आदरणीय श्री सुरेश बाबू मिश्रा जी का बरेली आंगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया और हम लोगों ने आज यहाँ पर सिविल लाइन्स में बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से श्री सुरेश बाबू मिश्रा का फूल मालाओं से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। इन संस्थाओं में सेवानिवृत्त शिक्षक वेलफेयर सोसाइटी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति, साहित्यिक संस्था संकल्प, साहित्यिक संस्था शब्दांगन और जिला विज्ञान क्लब, राजकीय शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ और बीजेपी का जो शिक्षक प्रकोष्ठ है उसके तमाम साथियों के द्वारा हम लोगों ने आज श्री सुरेश बाबू मिश्रा का यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। वास्तव में सुरेश बाबू मिश्रा का अभिनंदन करके हम सब इसलिए भी गौरवान्वित हैं कि वो बरेली की इस पावन धरती पर रहकर साहित्य की साधना कर रहे हैं, साहित्य का सृजन कर रहे हैं। वे और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचाइयाँ स्पर्श करें साहित्य की, यही हम सब लोगों की हार्दिक कामना और उनके प्रति शुभकामना है।